धन्य तेरस मंगल पावन दिवस है, जिन शासन की अंतिम तीर्थ विवर्तक अहिंसा की जयवंत मूर्ति जगत प्रसिद्ध भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी ने निर्माण के पूर्व योगों का निरोध करके संपूर्ण कार्य की क्रियाओं से रहित हुए थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की कुमार अवस्था में ही ग्रह का त्याग कर जिन दीक्षा को अंगीकार किया और आत्म साधना में लीन हो गए। 12 वर्षों की मौन साधना के उपरांत महावीर स्वामी को संपूर्ण द्रव गुण पर्याय को युगपत जानने वाली केवल ज्योति यानी केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वह सर्वदर्शी सर्वज्ञाता जिन इंद्र आदि देवों ने समोषण की रचना की, जिसमें प्रभु अव्यवस्थित होकर तत्व का प्रतिपादन किया, अहिंसा सत्य आचार ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पंचशील सिद्धांतों का व्याख्यान किया, जिनका श्रवण कर अनेकानेक भव्य जीवों ने अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त किया और आज वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसी तरह आगे भी भव्य जीव पंचशील सिद्धांतों का पालन करके अपना कल्याण करेंगे। महावीर स्वामी की देशना 30 वर्षों तक अंग वंग कलिंग आदि देशों में खिली। वहाँ जीवों में मैत्री प्रमोद कारुण मध्यस्थ का विकास किया। निर्माण होने के पूर्व पुनः विहार करते हुए पावापुर जी में समोषण छोड़ योग का निरोध कर ध्यानारूढ़ हो गए। आज वही दिवस कार्तिक त्रयोदशी है, जो कि ध्यान तेरस और धन्य तेरस है और वह तेरस तिथि धन्य हुई, जिसके कारण लोग उसको धन्य तेरस कहने लगे। आज वर्तमान में लोग उसको धन तेरस के नाम से जानते हैं। पूर्ण अर्थ में धन तेरस के रूप में प्रचलित हो गया, जबकि भगवान ने सब क्रियाएं छोड़कर ध्यान में लीन हुए और मूल अज्ञानी प्राणी आज के दिन लोहा स्टील सोना चांदी वाहन आदि जोड़ते हैं, खरीदकर अपने आप को धन्य मानते हैं, बल्कि आज के दिन पवित्र भावना भाएं कि हे भगवान, हमें भी आपकी तरह सर्व धन धान स्वर्ण आभूषण आदि परिग्रह का त्याग कर लक्ष्मी अर्थात आत्मिक गुणों की प्राप्ति हो, निर्विकल्प ध्यान अवस्था की प्राप्ति हो, ताकि हम भी कर्मों का क्षय कर निर्वाण सुख को प्राप्त कर सकें, तभी हमारा ध्यान तेरस मानना सार्थक होगा। बोलो महावीर स्वामी की जय।